पटेल डांगी समाज राजस्थान का महाकुंभ बेणेश्वर में संपन्न। 2.5 लाख की संख्या में लगभग समाज के लोग हुए एकजुट। पटेल डांगी समाज राजस्थान का महाकुंभ आज बेणेश्वर त्रिवेणी संगम साबला पर संपन्न हुआ, जिसमें टीएसपी में ओबीसी का आरक्षण, सेंट्रल केंद्र की सरकारी नौकरी में पाटीदार पटेल डांगी समाज को ओबीसी वर्ग में शामिल करने, सरदार पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को राजकीय अवकाश घोषित करना, पाटीदार पटेल डांगी समाज को जनसंख्या के अनुपात में राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व, पाटीदार समाज की एक सीट प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए लिया जाना, टीएससी क्षेत्र में भी जनसंख्या के अनुपात में पाटीदार समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाना सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 9 जिलों के समाज बंधु सहित राजस्थान के अन्य जिलों से भी समाज बंधु एकजुट हुए। रमेश हत्याकांड में समाज के 42 लोगों को दोषी बनाया था, सरकार से मांग करते हुए उन्हें बरी करने की भी मांग रखी गई। इस दौरान समाज के लोगों ने क्या कहा सुनिए। सबसे पहले तो मैं समाज के भाइयों को बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आज डांगी पटेल पाटीदार समग्र एक मंच में आए और जो यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुजुर्गों ने जो अनुशासन रखा, वो शायद राजस्थान के अंदर पहला एक कोई महाकुंभ होगा। भाइयों, आपको मैं ये भी बताऊंगा चैनल के माध्यम से कि यहाँ हमने एक मैसेज के माध्यम से इतनी तादाद में लोग आ गए और सरकार को तो ये बताना चाह रहे हैं बहुत जल्दी जनगणना करा के हमारे बारे में भी सोच ले, नहीं तो आने वाले में टाइम पे समाज ही हमारी पार्टी होगी। हम समाज की पार्टी के माध्यम से जगह जगह कैंडिडेट उतार के हम हमारी गणना करवा देंगे हम कितने लोग हैं। आज राजस्थान के अंदर हमारे समाज का एक भी विधायक नहीं है क्या? ये समाज सिर्फ वोट देने के पीछे पैदा हुई है? समाज इन राष्ट्रीय पार्टियों को या क्षेत्रीय पार्टियों को गलतफहमी है कि इस क्षेत्र में जब हम खड़े हैं बेणेश्वर में, ये राजस्थान का भविष्य करती है, मगर इस बार भविष्य के बारे में भी सोच ले कि यहाँ के डांगी पटेल पाटीदार जाग चुके हैं। देखो, मेरा मेन मकसद हमारा समाज एक जाजम पे आ जाए। और मेरा टिकट कटने की बात करते हो, जब मेरा टिकट कटा इन सब भाइयों ने मेरा साथ दिया और आज मैंने सब भाइयों के एक साथ दर्शन किए जो हमारे जगह जगह बिक्री हुई समाज को मानते थे, उनकी गाड़ी, उनका पैसा, घर का खाना, साथ में पानी लाना, ये मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे समाज को जिन्होंने आज एक एकता का मिसाल तैयार किया। इससे जुड़ा मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टी भी हमारे समाज को महान टिकट मांग रहे तो देवे। बाकी मैं मेरी पार्टी के सुप्रीमो को कह के दिला सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ दूसरी पार्टियों से मान के आज मंच पे आपको इस चैनल से भी नहीं बताएंगे, हम मैसेज के माध्यम में सही बता देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से हम किधर जा रहे हैं, आज सरकार देख रहे हैं हमारा रुझान किधर है, हमें क्या बेनिफिट देना चाहते हैं। धन्यवाद दूंगा मेरे समाज को और मुझे गर्व है मेरी समाज ने, हमने 2 लाख का टारगेट किया और 5 लाख लोग यहाँ एक साथ आए, यहाँ बेणेश्वर के 4 किलोमीटर रास्ते में लोग बैठे हैं। मैं कहूंगा यहाँ की सरकार ने और यहाँ के शक्तिशाली लोगों ने हमारे समाज को रोकने की भी कोशिश की, दूर दूर तक हमारी गाड़ियां खड़ी करवा दी, अगर ये काशकार गांव में गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल यहाँ आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी समाज को, हमारे समाज ने आज हंकार रैली कर ली है, ये समझने का पार्टी हो या लीन हो, हमारी समाज जिधर सुखती है उसका मुख्यमंत्री बनाती है, ये तो ये सोचे कि किसको मुख्यमंत्री बनना है, हमारे समाज को तवज्जो दे देना। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।